मुस्कान स्वरूप, मुस्कान स्वरूप, दुख नाशक, दुख नाशक, सुख सुख स्वरूप, स्वरूप, श्रेष्ठ ज्येष्ठ तेजस्वी, पाप तेजस्वी, नाशक, पाप नाशक, स्वरूप देव स्वरूप, परमात्मा को, परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें, और परमात्मा को हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, या कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर बहा दो, प्रेम की गंगा में प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, धर्म हो सेवा हमारा, कर्म हो सेवा हमारा, धर्म हो सेवा हमारा, हो सेवा सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना, सदा ईमान हो सेवा, सेवक चर बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर प्रभु हमको सिखा देना, पर का हमें परमात्मा देना, दया करना
ठीक है बच्चों, दोनों हाथ आपस में रगड़ लेंगे और अपने नेत्र की सेक करते हुए इस तरह से धीरे से नेत्र खोलेंगे। चलिए अब प्रार्थना के बाद हम वंदना करते हैं। वंदना करने के लिए दोनों हाथ इस तरह से जोड़ लेंगे और अपने अंगूठे को हृदय स्थल से लगाएंगे और वंदना करेंगे। आइए सर्वप्रथम गुरु वंदना करते हैं, जो हमें सद्ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे गुरु का ध्यान करेंगे, आह्वान करेंगे। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, अखंड मंडलाकारम्, व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मात की वंदना करते हैं, आइए माँ गायत्री का वंदना करते हैं। ओ माया तु वरदे देवी, ओ माया तु वरदे देवी, त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसां मातः, इसके पश्चात माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे, माँ सरस्वती जी का आह्वान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, विद्यारूपेण संसिता, विद्यारूपेण संसिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। आइए बच्चों, आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के दिन हम भगवान जी को अपने अपने घर में स्थापित करते हैं, स्थापना करते हैं और पूजन करते हैं। तो आइए गणेश गायत्री मंत्र से हम यहाँ वंदना कर रहे हैं। ओम एकदंताय विद्महे, ओम एकदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इसके पश्चात महामृत्युंजय मंत्र इसका वंदना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे, ओम त्र्यंबकं यजामहे, गंधिं पुष्टिवर्धनम्, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, पूर्वारुकमिव बन्धनान्, चोर्मुक्षेय मामृतात्, ॐ शान्तिः, 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 शान्तिः। दोनों हाथ पुनः आपस में घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे और अपने
नेत्र के ऊपर शेक करते हुए धीरे से नेत्र की मालिश करते हुए नेत्र खोलेंगे इस तरह से और सिर की मालिश करें। ठीक है बच्चों, अब हम प्रार्थना अपना ध्यान करेंगे, है ना। जब एवं ध्यान करेंगे तो उसके पहले हम प्राणायाम करेंगे। आप लोग को सिखाया गया प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, तो चलिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे, हमारे निर्देश को सुनेंगे ना आप लोग। भ्रामरी प्राणायाम में कैसे करते हैं बच्चों, अपने अंगूठे से अपने कान के जो छोटे छोटे पर्दे हैं उसको इस तरह से दबाते हैं ना, और उंगलियों को इस तरह से रखते हैं, और फिर ओम का उच्चारण करते हुए हम अपने श्वास को बाहर करते हुए हम भौरे की तरह आवाज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर करते हुए हम कौन सा आवाज करेंगे, भौरे की तरह गुंजन करेंगे। तो चलिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, आप कमर सीधी कर लेंगे, अपने अंगूठे को इस तरह से कान के छोटे पर्दे को दबाएंगे और नेत्र को बंद कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए हम भौरे की तरह गुंजन करेंगे, गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। चलिए रेडी हो जाएंगे प्राणायाम के लिए। ओ पुनः श्वास भरे और भौरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास छोड़ेंगे। ओ मुंह को बंद रखेंगे और भौरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ेंगे, है ना। इसके पश्चात उद्गृत प्राणायाम करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, इसमें नेत्र बंद ही रखेंगे और लंबी गहरी श्वास अपने अंदर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अब सात बार गायत्री मंत्र बोलेंगे हमारे साथ साथ, नेत्र को बंद ही रखे रहेंगे, अभी नेत्र बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अब हम जप करेंगे और ध्यान करेंगे, तो सबसे पहले जप करते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तच्च विभूर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य भूर्भुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य भूर्भुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य भूर्भुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात अब ध्यान करेंगे बच्चों, तो ध्यान नेत्र भी खोलेंगे नहीं, अपने नेत्र बंद ही रखें और पुनः कमर सीधी करके बैठे रहें। हम यहाँ से जो भी निर्देश दे रहे हैं उस निर्देश का पालन करेंगे। भावना करें कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं और हमारे पूरे शरीर शांत है, मन शांत है। अब हम अपने मस्तक में जहाँ हम टीका लगाते हैं वहां पे भगवान सूर्य को देख रहे हैं। भगवान सूर्य, उगता हुआ सूर्य हमें दिखाई दे रहे हैं, लाल लाल सूर्य हमें दिखाई दे रहे हैं। भावना करें कि सूर्य की तेजस्वी किरणों के प्रभाव से हम स्वस्थ बन रहे हैं। भावना करें कि सूर्य की ओजस्वी किरणों के प्रभाव से हम बुद्धिमान बन रहे हैं, हम संस्कारवान बन रहे हैं, हम विनम्र बन रहे हैं। भगवान सूर्य की तेजस्वी किरणों की प्रभाव से हमारी सारी दोष दुर्गुण बाहर हो रहे हैं, हमारी सभी बुरी आदतें दूर हो रहे हैं, हम निर्मल हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। हमारे साथ दोहराएंगे अब, ओम अशितो मा सद्गमया। ॐ असतो मा सद्गमया। तमसो मा ज्योतिर्गमया। तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा मृतं गमया। मृत्योर्मा मृतं गमया। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। 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 दोनों हथेली का पुनः घर्षण करेंगे और अपने नेत्र की सेक करेंगे, फिर चेहरे की मालिश करते हुए धीरे से नेत्र को खोलेंगे। इसके पश्चात बच्चों अब शुभकामना करेंगे, तो शुभकामना के लिए दोनों हाथ इस तरह से फैला लेंगे और भावना करेंगे कि सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे। ऐसी कामना करते हुए आइए सबके लिए शुभ कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसके पश्चात आइए बच्चों कर दर्शन करते हैं, तो कर दर्शन के लिए पुनः अपने हथेली को देखते रहेंगे। हमारे यह हाथ जो है परिश्रम का प्रतीक है, हम अपने हाथ से अच्छे मेहनत करें और बिना की कमाई को भी ग्रहण करें। इन्हीं भाव के साथ आइए हम अपने कर दर्शन करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर मध्ये सरस्वती। कर मध्ये सरस्वती। कर मूले तु गोविंदम्। कर मूले तु गोविंदम्।
प्रभाते कर दर्शनम प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से मस्तक में अपने हथेली को लगा लेंगे। तत्पश्चात हम धरती माँ को प्रणाम करते हैं। धरती माता हमारे अन्नदाता है, इसलिए हमें नित्य प्रणाम करके ही अपने बिस्तर से नीचे उतरना चाहिए। आइए धरती माता मिश्र से अपने हाथ को रखेंगे और प्रार्थना दोहराएंगे। ओम समुद्र वशने देवी, ओम समुद्र वशने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादि स्पर्श क्षमस्व मे, पादि स्पर्श क्षमस्व मे। बड़े धरती मैया की प्रणाम। आइए बच्चों, अब हमने धरती माँ को प्रणाम किए और वंदना किए, प्रार्थना किए। इस तरह से हमने अपना क्रम से शुरू किए हैं। अब हम अपने आचार्य दीदी के पास चलते हैं ना। आज हमारे नए आचार्य दीदी है और नए आचार्य दीदी जो है आप लोग को बढ़िया सा दोहा सुनाएंगे और फिर उसके बाद आप लोग को एक सुंदर सी मीठी सी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए हम अपने आचार्य दीदी की तरफ चलते हैं। अपने नए आचार्य दीदी है और सभी बच्चे नए आचार्य दीदी का स्वागत करेंगे प्रणाम करते हुए। रोमा दीदी। बोलिए। हाँ। भारत माता की जय। हाँ, कैसे हैं बच्चों आप सभी को? ये सभी बढ़िया है ना? सभी बढ़िया है सारे बच्चे लोग? सभी बच्चों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। चलिए बच्चों, प्रथम कालखंड के बाद अब हमारा आता है द्वितीय कालखंड। द्वितीय कालखंड में क्या आता है? सद्वाक्य, मनन और चिंतन। अच्छा, ये दिख रहा है क्या बच्चों आप लोगों को? ये दोहा आप लोग पढ़ पाएंगे क्या? दीदी जी को स्क्रीन पर लाइए। दीदी जी की स्क्रीन पर लाइएगा। स्क्रीन पे है दीदी? है नहीं? है नहीं दिख रही है दीदी? मैंने स्क्रीन पे है ना? तो दीदी तो नहीं दिख रहा। दीदी मैं ही हूँ। हेलो। हाँ, एक मिनट तो सेकंड। एक मिनट, अभी देखिए आ गई दीदी? नहीं आई है। कैसे नहीं आ रही? ठीक है, आप बोलना शुरू करिए बहन, आप बोलते रहिए। ठीक है, देखिए बच्चों आप लोगों को सद्वाक्य दिख रहा है क्या? हाँ। चलिए। हाँ, ये दिख रहा होगा ना आप लोगों को सद्वाक्य क्या लिखा है? आ गई दीदी, क्या लिखा है? चलिए हम आपको पढ़ के बता देते हैं ना। देखिए क्या लिखा है। चंद्रा जब पैदा हुआ जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो इसका मतलब ये है बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब पैदा हुआ, अर्थात जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं पैदा हुए थे तो सारे लोग हंस रहे थे, क्योंकि मैं पैदा हुआ था तो मैं रो रहा था। बच्चा जब जन्म लेता है तब रोता हुआ आता है ना, मैं कहाँ गया करके, केहों केहों करके रोता हुआ आता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में आया तो रोते हुए आया, और मेरा रोना को देख कर सारे लोग हंसने लगे। घर के माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, पड़ोसी, जितने लोग थे सारे हंसने लगे कि बच्चा आ गया इस दुनिया में, बच्चा आ गया करके सारे लोग हंसने लगे थे। उसके बाद कबीरदास जी क्या कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसका मतलब ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी करनी करनी चाहिए कि इस दुनिया में जाने के बाद हम हंसे और लोग जो है हमारे लिए रोए। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि इस दुनिया से जाने के बाद हमें अच्छा लगे, है ना, खुद को अच्छा लगे और मन में ये भाव रहे कि भगवान ने जो हमें ये मनुष्य का शरीर दिया हुआ था,
इस दुनिया में हम आए थे तो चलो मनुष्य का शरीर दिया हुआ है तो थोड़ा सा अच्छा काम किए हैं हम, है ना, तो अपने आप को संतुष्टि होनी चाहिए कि चलो हम कुछ तो अच्छा किए हैं। और उसके बाद आपको पता है बच्चों, जब कोई अच्छा कार्य करते हैं ना तो उसको सब लोग याद करते हैं कि नहीं करते हैं ना भाई, आपका अगर कोई मदद कर दिए तो आप उसको याद करेंगे, आपकी कोई सहायता कर दिए तो उसको आप याद करेंगे ना, करेंगे ना याद। हाँ, तो इसलिए बच्चों हमें भी ऐसा अपने जीवन में ऐसा अच्छा काम करना चाहिए। कैसा कैसा अच्छा काम करना चाहिए? आपके छोटे छोटे भाई बहन है ना, होंगे ना छोटे छोटे भाई बहन और होंगे, तो उनके क्या करना चाहिए? हमको सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमारे पड़ोस में बहुत सारे हमारे सहेलियां होती हैं, मित्र होते हैं, तो उनको अगर मदद की आवश्यकता पड़ गई तो हमको मदद करना चाहिए। और अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारी मदद की आवश्यकता हमारे स्कूल में हमारे मित्रों को, छात्रों को या फिर आचार्य जी को कुछ जरूरत पड़ गई तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो जीवन भर हमें लोग याद करेंगे कि नहीं, और आप लोग चाहते हैं ना कि लोग हमें याद करें, तो ऐसी बच्चों हमें भी अच्छा अच्छा काम करना चाहिए ताकि हमारे ना रहने पर भी लोग हमारा हमें याद करें। जैसे कि आप लोग घर में हैं, घर के कार्यों में हाथ बटाते होंगे, करते हैं कि नहीं, बटाते होंगे ना, कुछ ना कुछ घर के कार्यों में हाथ बटाते होंगे, है ना, बच्चियां हैं तो भी हाथ बटाते होंगे, है ना। तो ऐसी हमें अच्छी अच्छे कार्य करना चाहिए ताकि लोग हमें याद करते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। किसको कहानी सुनना अच्छा लगता है? सभी बच्चों को अच्छा लगता है कहानी सुनना? हाँ, कहानी सुनना तो सबको बहुत अच्छा लगता है ना। तो आपके घर में कौन कौन कहानी सुनाते हैं? आपकी दादी सुनाती है, मम्मी सुनाती है? हाँ, घर की दादी है, मम्मी है ना, दादाजी है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। तो चलो बच्चों आज हम आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे, ठीक है? तो देखिए भाई, ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी में हम आपको कुछ पूछेंगे भी, ठीक है, एक कहानी के अंतर्गत ही पूछेंगे, तो आप उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और जब हम पूछेंगे तो आप बताते जाइएगा कहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ठीक है बच्चों? हाँ, तो एक बार क्या हुआ था बच्चों, एक बार देवताओं की मीटिंग बैठी, देवताओं की मीटिंग बैठी और मीटिंग में सब कोई आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? कि इस दुनिया में सबसे पहला प्रथम पूजा किसकी की जाए। अब बड़ा सोच में पड़ गए सारे लोग कि किसकी पूजा होनी चाहिए इस दुनिया में, सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, बड़ा चिंता करने लगे। अब करे तो करे क्या, अगर हम इसका नाम लेंगे तो अगला आदमी नाराज हो जाएगा कि इसका नाम ले दिए और हमारा नाम नहीं लिए, हमारा भी प्रथम पूजा होना चाहिए। तो सारे लोग सोच में पड़ गए कि इसका नाम पहले लिया जाए, किसके पूजा सबसे पहले किया जाए, सारे बड़ा चिंतित हो गए। तब किसी के पास कहीं पक्षपात ना हो, ऐसा करके सारे देवता लोग निर्णय लेने लगे कि क्यों ना एक काम करते हैं, एक प्रतियोगिता रखते हैं। प्रतियोगिता रखते हैं, क्या प्रतियोगिता रखते हैं, कि ये पृथ्वी लोक का भ्रमण करके जो सबसे पहले आएगा उन्हीं की प्रथम पूजा की जाएगी। तो सारे देवता लोग खुश हो गए, हाँ भाई ऐसा प्रतियोगिता तो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, है ना, सब बराबर रहेंगे, जो जल्दी आ जाएंगे उनकी पूजा की जाएगी, तो कोई नाराज भी नहीं होंगे। तो सारे देवता लोग कहने गए कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, निर्णय हो गया कि पृथ्वी का जो प्रथम पूजा भ्रमण करके आएंगे उन्हीं की सर्वप्रथम इस सृष्टि में पूजा होगी। अब सारे देवता लोग अपने अपने वहां लेकर निकल पड़े पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, और वहीं पर गणेश जी भी बैठे हुए थे, गणेश जी बैठे हुए थे। तो सारे लोग अपने अपने वहां लेकर निकल पड़े जल्दी जल्दी पृथ्वी का भ्रमण करके आएंगे करके, लेकिन गणेश जी वहां पर बड़े हदास होकर बैठे हुए थे। अब कुछ समय हो गया तो वो तो भ्रमण कर ले निकले नहीं, तो गणेश भगवान सोचने लगे कि मेरा शरीर जो है एक कुंटल का, और मेरा वाहन चूहिया है जो एक छटाक का, और मेरा
मेरा वजन लेकर वो चूहिया पृथ्वी का भ्रमण करके कैसे जल्दी से आएगा, तो बड़े सोच में पड़ गए। तब गणेश भगवान सोचने लगे कि क्यों ना माता पिता को सबसे बड़ा माना जाता है, सारे ब्रह्मांड का प्रतीक है माता पिता, तो सारे देवी देवता उसमें विराजमान है, है ना, और माता पिता को सबसे बड़ा माना गया है, तो क्यों ना मैं माता पिता का ही भ्रमण कर लूं। तो गणेश जो थे कैलाश पहुंचे, वहां पर उनके माता पिता कौन थे, कौन थे गणेश भगवान जी के माता पिता बच्चों, शंकर भगवान और पार्वती माता हिमालय में विराजमान थे। और गणेश भगवान वहां पर पहुंचे और पहुंचने के पश्चात अपने माता पिता का गणेश भगवान जी परिक्रमा करने लगे। कितने बार परिक्रमा किए, 7 बार परिक्रमा किए। कितने बार परिक्रमा किए बच्चों, 7 बार। हाँ, तो 7 बार वो परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के पश्चात वहां पर गणेश जी बैठ गए। बैठने के पश्चात ब्रह्मा जी वहां पास आए और ब्रह्मा जी गणेश भगवान को देखे तो आश्चर्य हो गया उनको कि गणेश जी पृथ्वी का भ्रमण करके इतना जल्दी आ गए। तो ब्रह्मा जी गणेश भगवान जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अरे लंबोदर स्वामी, आप पृथ्वी का भ्रमण करके आ गए। तब गणेश भगवान ने कहा कि पितामह, मेरा शरीर 1 कुंटल का और मेरी वाहन एक छोटी सी चूहिया 1 छटाक का है, तो मैं इतना जल्दी भ्रमण करके कैसे आता, है ना, तो माता पिता से बढ़कर तो कोई दुनिया में है नहीं, तो मैं अपने माता पिता का 7 परिक्रमा कर लिया हूँ, पूरे सृष्टि का भ्रमण कर लिया हूँ। तब ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए और उसकी बुद्धिमता को देखकर सारे देवता लोग निर्णय लिए कि सर्वप्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए, गणेश भगवान की करनी चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि बल से वो माता पिता का परिक्रमा करके उन्होंने क्या किया, विजय हासिल किया, और सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है। तो उसी के समान बच्चों, हमें भी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि आप देखे हैं ना, जो बुद्धिमान होते हैं उन्हीं की पूजा की जाती है, गणेश भगवान की पूजा की जाती है ना, उसको बुद्धि के देवता कहा जाता है, है ना। तो उसी प्रकार बच्चों, हमें भी बुद्धिमान होना चाहिए। अब बुद्धिमान होने के लिए हम क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, है ना, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको पढ़ाई करेंगे तो बुद्धिमान बनेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, एक काम और करना है, क्या करना है, अगर वास्तव में हमको बुद्धि बढ़ानी है तो हमको गायत्री मंत्र का जप करना होगा। कितने बार करना होगा, 24 बार। आप लोग स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र जपते हैं ना, आपको हमारे आचार्य जी बताए होंगे ना, गायत्री महामंत्र के बारे में बताए होंगे, आप लोगों को बोले होंगे गायत्री बुद्धि बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का जप किया करें। आप लोग करते हैं कि नहीं, कितने बच्चे लोग करते हैं जी, करते हैं ना। हाँ, तो आप लोग स्नान करने के पश्चात 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारी बुद्धि बढ़ती है, याद करने की क्षमता बढ़ती है, हम बुद्धिमान बनते हैं, है ना। और साथ ही साथ में बच्चों, साथ ही साथ में आप लोगों ने देखा है कि गणेश भगवान माता पिता का परिक्रमा किए थे, क्योंकि वो अपने माता पिता को सबसे बड़ा मानते हैं। तो आप लोग अपने घर में माता पिता को बड़े मानते हैं, भगवान मानते हैं कि नहीं, नहीं मानते, मानते हैं ना, हाँ मानते हैं ना, अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे बच्चे लोग हाथ उठा रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। तो बच्चों, जब अपने माता पिता को आप भगवान मानते हैं तो उनका कहना मानते हैं, आप लोग मानते हैं ना, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और रोज सुबह उठकर उनको प्रणाम करते हैं कि नहीं, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे लोग हाथ उठाए हैं, सभी कोई करते हैं, वाह सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हमें भी अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, है ना, और हम कहना मानेंगे, उनका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तब क्या होगा, और बुद्धिमान बनेंगे तब क्या होगा, गणेश भगवान की तरह हमें भी लोग लाड़ करेंगे, प्यार करेंगे, हमको भी हमारा भी सम्मान करेंगे, है ना। तो हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है बच्चों, करेंगे ना सभी कोई,
बुद्धि बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का जप करेंगे। हाँ बिल्कुल करना बेटा, बिल्कुल करना आप लोग। और है ना, और गणेश भगवान की तरह अपने माता पिता का सम्मान करना, आज्ञा का पालन करना, उनके कार्यों में थोड़ा थोड़ा हाथ बटा दिया करना जितना आपसे बन पड़े, ठीक है। हाँ और हमारे माता पिता कहते हैं ना, अब हम स्कूल से आते हैं तो बस्ता पटक देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं खेलने के लिए, और माता पिता हमें मना करते हैं तो हम क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, कमरे में आप अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो ऐसा करना चाहिए क्या? क्योंकि माता पिता हमारी भलाई के लिए करते हैं, है ना। हाँ तो उसका बच्चों हमें कहना मानना चाहिए, ठीक है बच्चों। कहानी अच्छी लगी? कहानी अच्छी लगी कि नहीं लगा ना? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बच्चों अच्छा ये बताइए, आप लोगों को गीत गाना अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है तो हमारे साथ गीत गाएंगे आप लोग? कैसे कैसे गीत गाना अच्छा लगता है जी, हैं? कैसे कैसे गीत गाना अच्छा लगता है आप लोगों को? भजन गाना अच्छा लगता है। तो अभी क्या है, आज क्या है, गणेश चतुर्थी है आज। गणेश भगवान की सबने स्थापना किया है और उनका पूजन करते होंगे, है ना, किए होंगे ना सारे बच्चे लोग। तो चलिए बच्चों हम सब, क्योंकि गणेश भगवान बुद्धि की देवता है, तो हम सभी कोई गणेश भगवान की वंदना करते हैं गीत के माध्यम से, ठीक है। आप सभी कोई गाएंगे, है ना, आप सभी कोई गीत को दोहराएंगे, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। हाँ चलिए तो सभी कोई ताली बजाकर हमारे साथ गीत को दोहराइएगा, ठीक है। चलिए हमारे बाद दोहराइए, गणेश भगवान से हम सब कोई मिलकर प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है। चलिए और गीत तो गाने दीजिए तो ताली हो जाएंगे तो पहले से हम लोग ताली बजा रहे हैं चलिए चलिए गीत के साथ है, ताल से ताल मिलाकर आप लोग गीत को दोहराएंगे, ठीक है। हाँ नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, आप लोग दोहराइए। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, 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 प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, नर से नारायण बन जाए गीत के साथ ताली मिलाकर आप लोग बजाएंगे ना, कहीं आप लोग ताल गीत के साथ ताल मिलाकर नहीं बजाएंगे तो क्या हो गया, आप लोग बेताल हो जाएंगे। इसलिए गीत के साथ में आप लोग ताली मिलाकर, हमारा ताली देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही मिलाकर बजाना, ठीक है। हाँ दुखियों के दुख हम दूर करें, दुखियों के दुख हम दूर करें, कष्टों से नहीं डरे श्रम से, कष्टों से नहीं डरे में सबके प्रति प्यार भरे, पूरे में सबके प्रति प्यार भरे, जल बन कर मरुस्थल में बिखरे, जल बन कर मरुस्थल में बाधाओं से टकरा जा, बाधाओं से टकरा जाए, ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा
नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। और बच्चों उसके बाद हम गणेश भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे, आलस में दिवस न कटे कभी आलस में दिवस न कटे कभी सेवा के भाव न मिटे कभी सेवा के भाव न मिटे कभी पथ से ये चरण न हटे कभी जनहित के कार्य न छूटे कभी पथ से ये चरण न हटे कभी जनहित के कार्य न छूटे कभी देवी क्षमताए विकसाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना प्रभु ऐसा नर से नारायण ज्ञान हमें देना नर से नारायण प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। बोलिए गणपति महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, माता की जय जय। अच्छा चलिए अब हमारा आया एक प्रयोग, दिखाएंगे सभी बच्चों को। ये क्या है बच्चों? दीपक है ना? दीपक है। अच्छा और ये क्या है? माचिस। माचिस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस माचिस से हम दीपक को जलाएंगे। दीपक जलाएंगे। हाँ तो बच्चों ये बताइए हम दीपक कब जलाते हैं? दीपक हम कब जलाते हैं जी? अरे भाई घर में जब अंधेरा हो जाता है तब हम दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं। जलाते हैं कि नहीं? क्यों जलाते हैं? क्योंकि दीपक जो है अपने चारों तरफ प्रकाश फैला देते हैं, फैलाते हैं ना। दीपक जलाते हैं तो उजाला होता है कि नहीं? आपके घर में कभी लाइट चली जाए, बत्ती चली जाए तो आप क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, क्योंकि दीपक से हमारा पूरा घर जो है प्रकाश हो जाता है, पूरा प्रकाशित हो जाता है ना। और हमें अंधेरे से डर नहीं लगता है ना। तो बच्चों हमें भी कैसा बनना चाहिए? दीपक की तरह बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए ना। तो आप लोग बनेंगे कि नहीं? तो कैसे बनेंगे देखो बच्चों, जैसे कि ये दीपक है, अंधेरे में हम जलाते हैं तो दीपक के चारों तरफ पूरे आसपास में प्रकाश फैल जाता है। तो हमें भी दीपक की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। कैसे प्रयास करना चाहिए? मान लीजिए हमारे अंदर कोई प्रतिभा है। प्रतिभा का मतलब कि हमारी बुद्धि अच्छी है ना। पढ़ने में बड़ा होशियार है हम लोग, पढ़ाई लिखाई में हम लोग बड़े होशियार हैं। और भगवान ने हमें दो हाथों के माध्यम से भगवान ने हमें ताकत दिया हुआ है, जिससे हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर के काम करते हैं, अपना काम करते हैं, घर के कार्यों में भी हाथ बटाते हैं, करते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से बच्चों जैसे कि दीपक जलकर अपने आसपास में प्रकाश फैलाता है और दूसरों को लाभ पहुंचाता है, उसी प्रकार बच्चों हमारे अंदर में
जो भी हमारे अंदर में योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, हम बुद्धिमान है, तो हमारे घर में छोटे हमारे भाई बहन हैं, है ना, हमारे पड़ोस में हमारे मित्र हैं, स्कूल में कोई हमारे मित्र है, तो हम क्या करेंगे? जब हम बुद्धिमान हैं, पढ़ने लिखने में हम होशियार हैं, तब हम क्या करेंगे? हमारे छोटे भाई बहन गधे हैं, मंद बुद्धि के हैं, तो उसको होशियार बनाएंगे कि नहीं? उनको पढ़ाएंगे, मदद करेंगे ना? हमारे पड़ोस के बच्चे कहीं मंद बुद्धि के हैं, कमजोर बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, तब क्या करेंगे? उसको होशियार बनाएंगे ना, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, पढ़ाई लिखाई में हम होशियार हैं, तो हम मदद करेंगे ना उनको होशियार बनाने का, है ना? तो ये प्रतिभा आपके अंदर में है कि नहीं? है ना? और हमें लगता है कि सभी बच्चे लोग बड़े होशियार हैं, है ना, सभी बच्चे लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग सवाल जवाब करते हैं, बात करते हैं, तो समझ में आ जाता है बच्चों कि आप लोग कितने होशियार हैं। तो अपने से दूसरों को आप क्या करेंगे? शिक्षा का दान देंगे, आप होशियार हैं तो, विद्यार्थी हैं तो, देंगे कि नहीं? देंगे ना। और भगवान ने दो हाथों के माध्यम से हमको ताकत दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस हाथ के माध्यम से हम दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, करेंगे कि नहीं? अब आप लोग करते हैं कि नहीं मदद? करते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे लोग मदद करते हैं, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ऐसी ही हमें भी दीपक की तरह होनी चाहिए, है ना, हम दूसरों की भी मदद करें, सहायता करें। और आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, ये दीपक है ना, दीपक है, और इस दीपक को हम झुका रहे हैं, ये देखिए झुका रहे हैं, लेकिन दीपक का लौ देख लीजिए, ऊपर की ओर जल रहा है, नहीं ऊपर की ओर उठकर देखिए, इतना झुका दिए फिर भी दीपक जो है ऊपर की ओर जल रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है सबको? देखिए इतना झुका दिए फिर भी दीपक जल रहा है ऊपर की ओर, इसका लौ है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारे जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थितियां आए, है ना, बहुत सारी परिस्थितियां आती है ना, कभी हमको सुख मिलता है, कभी हमको दुख मिलता है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, मम्मी पापा हमको डांट दिए तो हम दुखी हो गए, होते हैं कि नहीं? स्कूल में टीचर हमको डांट दिए तो हम दुखी हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, नाराज होते हैं, और घर में आकर चुपचाप बैठ जाते हैं, किसी से हम बात नहीं करते, हमें बहुत बुरा लगता है, और पढ़ने लिखने में भी हमारा मन नहीं लगता, और घर के कुछ भी काम में हाथ बटाने में भी हमारा मन नहीं लगता। तो ऐसी होना चाहिए क्या? दीपक झुकने के बाद भी ऊपर की ओर जलता रहता है। तो उसी प्रकार से बच्चों हमारे जीवन में चाहे जैसा भी हो, है ना, हमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब बच्चों जो हम पढ़ लिख कर बनना चाहते हैं, पढ़ लिख कर आप लोग बनना चाहते हैं कुछ, है ना, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ देखो हमारे बच्चे उंगली हाथ उठा रहे हैं, है ना, है देखो हमारी बिटिया भी हाथ उठा रही है, तो आप लोग पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं ना, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस हो, कुछ ना कुछ आप लोग बनना चाहते हैं ना, हाँ। और अगर टीचर स्कूल में हमको डांट दिए तब हम क्या करते हैं? गुस्सा जाएंगे, नाराज हो जाएंगे? नहीं बच्चों, वो हमारे लिए ही डांटते हैं, हमारे भलाई के लिए, तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमको आगे चलकर क्या बनना है, है ना। तो चाहे कोई भी परिस्थिति आए बच्चों, हमें अपने मंजिल को याद करना चाहिए, लक्ष्य को याद करना चाहिए, और अपना काम करना चाहिए, ठीक है, ऐसा करेंगे ना, दीपक की तरह बनेंगे ना। और साथ ही साथ दीपक जब जलता है तो देखे हैं दीपक के तले अंधेरा होता है, आप देखिएगा कभी भी, ये देखिए दीपक जल रहा है ना, तो उसके नीचे में थोड़ा सा अंधेरा है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कष्ट और कठिनाइयां आए, लेकिन हमको कष्ट और कठिनाइयां सहकर खुद तकलीफ झेलकर, है ना, खुद को तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख देना चाहिए हमें, है ना, उनको लाभ पहुंचाना चाहिए, भले थोड़ा सा हम तकलीफ झेलिए तो क्या होगा। बच्चों आप लोग स्कूल जाते हैं ना, अब स्कूल गए आप लोग, और आपके एक मित्र है तो वो अचानक वो अपना पेन लाना भूल गए, और आपके पास दो ठोक तीन ठोक पेन है, तो आप क्या करेंगे? आप अपना पेन उनसे शेयर करेंगे कि नहीं, उनको देंगे कि नहीं?
हाँ वो तो भूल गए हैं, तो आप लोग उनको देंगे ना पेन, देंगे ना। और मान लीजिए आप टिफिन लाए हैं और आपका मित्र कहीं भूल गया टिफिन लाना, तो क्या करेंगे आप? जो चार रोटी रखे हैं तो दो रोटी अपने मित्र को देंगे, देंगे ना। तो बेटा खुद को थोड़ा सा कष्ट दे दें, लेकिन दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करें। ये दीपक हमें यही सिखाता है। तो आप लोग सब दीपक की तरह बनेंगे कि नहीं बनेंगे ना? हाँ तो बेटा आप लोग सबको ही दीपक की तरह बनना है ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो चलिए इसके बाद हमारे आचार्य जी जो हैं आपको एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है? वीडियो देखेंगे ना आचार्य जी? गणेश बाबा वाला वीडियो है क्या? नहीं नहीं उपलब्ध हो पाया है। तो देखिए योग वाला वीडियो होगा आदरणीय कुलदीप भैया जी। कुलदीप भैया नहीं है दीदी, जो बच्चे गणेश भगवान बना के लाए होंगे सबका प्रदर्शन करेंगे अभी। अच्छा अच्छा, उन्हीं को दिखाना है क्या दीदी पहले? हाँ अच्छा, चलिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों लोग बहुत कुछ आप लोग बना कर लाए होंगे। आचार्य जी आप लोगों को बोले थे ना आज गणेश चतुर्थी है, तो कुछ ना कुछ आप लोग बना कर लाना, चाहे मिट्टी का गणेश जी हो, चाहे चित्र है ना कला में आप लोग गणेश जी बना कर लाए हो, है ना, चाहे जैसा भी हो, है ना। तो आप सभी बच्चों का हम लोग प्रस्तुति देखेंगे कि आप लोग क्या क्या बना कर लाए हैं, ठीक है? हाँ सभी कोई दिखाइएगा, सभी बच्चे लोग दिखाएंगे, ठीक है? हाँ आदरणीय दीदी जी देखिए बच्चे लोगों का। चलिए सबसे पहले कौन दिखा रहा है भाई? राज के पास चलते हैं, हमारे राज बेटे के पास। क्या बनाए हमारे राज बेटा जी बताइएगा थोड़ा, और आप अपने फोन को अपने से अनम्यूट कर लीजिएगा। बताइए भाई क्या बनाए हैं। अरे वाह, चलिए थोड़ा सा तिरछा करिए बेटा उसको, ठीक। अरे वाह गुड, जोरदार ताली, सभी बच्चे ताली बजाते बजाए भाई। बहुत प्यारा पेंटिंग है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने गणेश जी बनाया है। हाँ रुक जाओ बेटा, लाइन से आ रहे हैं ना सबके पास, एक एक करके देखते हैं। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आइए ना बच्चे लोगों को। हाँ बेटा कुछ बोल रहे हैं क्या राज? राज बेटा कुछ बोल रहे हैं? हाँ, दीदी जी हाँ एक मिनट। हाँ दीदी, हाँ बच्चों को मेन पृष्ठ में लाते जाइए दीदी जी। मेन में है ना, मेन में ही हो? नहीं नहीं आ गया है ना मेन में। मेन पृष्ठ मेन में नहीं है क्या? नहीं है दीदी, मैं ही हूँ। हाँ कैसे नहीं है, एक मिनट। अभी है? नहीं है दीदी, नहीं। अभी है? नहीं, कैसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और कोई दिखा रहे हैं? मैम मैं। हाँ एक मिनट बेटा, है ना, लाते हैं सबको, मेन स्क्रीन पे लाते हैं। हाँ हो गया, राज बेटा दिखा लिए। ठीक है चलो, अब कौन दिखा रहे हैं? प्रेमा, प्रेमा कुमारी के पास चलते हैं। हाँ नहीं, कहाँ है तुम्हारी बहन, कहाँ है? हाँ एक मिनट बेटा, सबके पास आ रहे हैं, सब एक एक करके दिखाइएगा, है ना। हाँ भैया ये इधर से मेन पृष्ठ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं पिंक आ रहा है, बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं। पिन वीडियो ही तो कर रही हूँ, स्पॉटलाइट करके इसमें नहीं है मेरे में। हाँ स्पॉटलाइट है, ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है। हाँ आ गए, चलो ये कौन है भाई? माया। हाँ, दिखाओ बेटा अपना वीडियो दिखाओ। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप अपना फोन अनम्यूट करिए बेटा, वहीं से अपना फोन अनम्यूट करिए।
अपने आप को अनम्यूट करिए वहीं से। कुछ बोलना चाहेंगे? एक बार फिर से दिखाइए अपनी पेंटिंग। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही बच्चे ताली बजाएंगे भाई? ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सबको अनम्यूट कर दे रहे हैं, हल्ला नहीं करेंगे आप लोग। चलिए अब और चलते हैं। और कौन लाए हैं भी बना के? आप लोग अपना फोन पे नाम लिखा करिए ताकि हमें पता चले। हाँ ठीक है बेटा, चलिए आप बताइए नाम। बताओ तो बेटा आपका। तेजस कौशिक। हाँ तेजस, तेजस जी बना के लाए हैं। किससे बनाए हैं? ये आटे और हल्दी से बनाए हैं मैंने। अरे बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। ताली बजाइए सभी बच्चे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। तो आज इसकी स्थापना करेंगे जी आचार्य जी। हाँ इसी का पूजन करेंगे और, है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। देखो आपका एकदम इको फ्रेंडली गणेश हमारे बेटे ने बनाया है, बहुत सुंदर। और इसी का बढ़िया अभी 11 दिन पूजन अर्चन करेंगे, है ना? अभी जैसे दीदी ने कहानी सुनाया हमारे लिए, सभी बच्चों के लिए हम सद्बुद्धि मांगेंगे गणेश भगवान से, विवेक, है ना? और अंत में बढ़िया अपने ही घर में फिर इसका विसर्जन भी करेंगे, है ना? चलो बहुत सुंदर। आपने वीडियो ऑफ कर दिया अपना। चलो अब आगे बढ़े। हाँ बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत शाबाश। तो मिट्टी और हल्दी से बनाए है ना? आप अपना वीडियो ऑफ कर दिए हैं। वीडियो क्यों बंद कर देते हैं भाई? हाँ मिट्टी से बनाए है ना, मिट्टी और हल्दी से। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो छूटेंगे बताएंगे हमें, है ना? अब हम चलते हैं गायत्री बोदले की गुड़िया के पास चलते हैं। हमारी गायत्री बोदले दीदी की गुड़िया क्या बनाई है बिटिया जी, हम देखते हैं जरा। अरे वाह, बहुत सुंदर बेटा। किससे बनाए हैं? अपने फोन को वहीं से अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। हाँ अनम्यूट करिए जरा। नहीं हो रहा है? मम्मी कहाँ है? देखो बुलाओ मम्मी, माँ को। आवाज आ रही है आपकी तो? किससे बनाए हैं? किससे बनाए बेटा? मिट्टी से। आप बनाए हैं? पत्थर और मिट्टी से। वाओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश बेटा। ताली बजाइए सभी लोग गुड़िया के लिए। क्या नाम है बेटा? अपना नाम बताइए तो। अपूर्वा। अपूर्वा, अपूर्वा के लिए जोरदार तालियां भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर बना है आपका गणेश जी, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत सुंदर, शाबाश। चलिए अब आगे बढ़े। और भाई बहन है हमारे ना, उनका हम गणेश जी देखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मयंक चौहान के पास चलते हैं। मयंक बेटा अपना फोन वहां से अनम्यूट करिएगा और हम आपको मेन स्क्रीन पे लाते हैं, आप फिर दिखाइएगा। हाँ मयंक जी का गणेश भगवान देखते हैं हम। थोड़ा थोड़ा पीछे करो बेटा, थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा पीछे करके दिखाओ। बहुत सामने लाएंगे ना तो दिखे, धुंधला दिखेगा। थोड़ा पीछे करो और आप अपना फोटो थोड़ा पीछे रखो, मोबाइल के कैमरे से थोड़ा पीछे रखो, थोड़ा और पीछे। हाँ एकदम ज्यादा धुंध। ठीक है, पेंसिल से बनाए हैं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया बना है। मैम के लिए भी ताली बजाएंगे भी सभी बच्चे। ठीक, बहुत सुंदर। इसमें कलर कर देंगे तो और बहुत प्यारा लगेगा फिर, है ना? ठीक, बहुत सुंदर बेटा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब हमने मैम का देख लिया, अब कौन और लाए हैं भी बना के? जरा हाथ उठाएंगे। सक्षत, क्या नाम है? हाँ चलिए आपके पास चलते हैं। आप अपना फोन अनम्यूट कर दिए हैं, फोन उधर से अनम्यूट करिएगा, आपका गणेश भगवान देखते हैं। देखिए, अरे वाह बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी बच्चे ताली बजाएं भाई अक्षत के लिए। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर बना है, बहुत बढ़िया। आपने खुद बनाया?
अरे वाह बहुत सुंदर बना है, किससे बनाए हैं? अपना फोन अनम्यूट करिए ना बेटा, वहां से नहीं हो रहा है, यहाँ से तो आपको अनम्यूट कर दिए हैं। यस सर, यस मैम, मैंने बनाया है क्रियॉन से और पेंसिल से। अरे वाह, कौन सा क्या क्या चीज से बनाया बताए? पेंसिल से और कलर? क्रियॉन से। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया बना है बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत सुंदर। पेंटिंग करना सीखे हैं कहीं से? मैम पेंटिंग में कलर्स हैं। हाँ हाँ मैं समझ गई, आप पेंटिंग कहीं से सीख रहे हैं करना? नो मैम, मुझे पहले से आता है। हम पहले भी मैं विष्णु भगवान जी से भगवान मैं पहले बनाता था। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। आप ऐसी और अच्छे से अच्छा बनाते रहिए तो और बढ़िया पेंटिंग करना सीख जाएंगे। ठीक, और कौन बचे हैं भाई, और कौन लाए हैं हमारे बच्चों में? चलो हम यहाँ चलते हैं विद्या और रोहन के पास। अपना फोन वहां से अनम्यूट करिएगा बेटा। हाँ हाँ दिखाओ बेटा, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे करके दिखाना। ठीक, क्या चीज से बना है भाई ये? खड्डे से। खड्डे से, अरे वाह, दोनों भाई बहन दोनों बना के लाए हैं। अरे वाह, चल बहुत सुंदर बेटा। सभी बच्चे ताली बजाएंगे भाई विद्या और रोहन के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो इन्होंने खड्डे पे बनाया है पहले, फिर उसका कटआउट कर दिया है ना, उसको कटिंग कर दिए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लग रहा है। और आपने विद्या कलर करके बनाया पेंसिल से? नहीं सर जी, मैं खड्डे से इसको काट के पेंट। हाँ अच्छा, अरे वाह, चलिए आपने मतलब कटिंग करके उसको पेस्ट किया है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, शाबाश। चलिए अब कौन है भाई, आप कौन और बना के लाए हैं? इशिता, इशिता के पास हम चलते हैं। अपना फोन वहां से अनम्यूट करिएगा बेटा। हाँ इशिता बहन क्या लाई हैं? अरे वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएंगे सभी, बहुत बढ़िया बना है। पूरा ब्लैक कलर में आपने केवल एक रेड का वो दिया है माथे पे तिलक, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अनोखा, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन और कौन बच्चे, कोई बचे क्या जो लाए हैं आज बना के, गणेश भगवान बना के जो बच्चे लाए हैं पेंटिंग से या मिट्टी से, जैसा भी आप लाए होंगे, कोई बच गए क्या? जो बच्चे बच गए होंगे हाथ उठाएंगे थोड़ा। हो गया सभी का? हो गया? हमारे बहुत सारे बच्चे ना वीडियो ऑफ करके बैठते हैं भाई, वीडियो आप ऑन करके बैठा करो बेटा, तो आपको बहुत सारा चीज देखने ही मिलेगा ना, आपको हम स्वयं भी देखेंगे। और हाँ, और कौन लाया बना के? सृष्टि, सृष्टि सिंह भी बना के लाई है क्या कुछ? सृष्टि बेटा नहीं, चलो और कोई बच्चे छूटे तो नहीं ना? सृष्टि बेटा बना के लाई है कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बच्चों, आप लोगों ने जो जिन जिन बच्चों ने आज पेंटिंग से गणेश भगवान बनाया था या मिट्टी से बनाया, एक बेटे ने हल्दी और किसे मिट्टी का प्रयोग करके बनाया, बहुत सुंदर, सभी ने बहुत सुंदर अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया, बहुत ही शाबाश, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही अपनी कला को निखारते रहिए बच्चों, है ना। बहुत बहुत मंगल कामना आप लोग को और गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए बच्चों अब हम सीधा दीदी के पास चलते हैं, हमारी आचार्य जी के पास। आज हमारा गणेश जी बैठा रहे हैं ना, तो गणेश जी हम क्यों बैठाते हैं, गणेश जी बिठाने का क्या महत्व है, गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है, और हम जिस गणेश देवता की पूजन करते हैं उसका क्या तत्व दर्शन है, उसका जितना भी गणेश भगवान को हम देखते हैं ना, सबका एक, हर भगवान का अपना अपना स्वरूप का एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है ना, तो हमारी दीदी जी आपको विस्तार से बताएंगी, उसके बाद हम सभी गणेश भगवान की पूजन करेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे आचार्य जी आपको गणेश भगवान का आज पर्व है ना, तो पर्व हम क्यों मनाते हैं उसका संदेश आपको देंगी आदरणीय आपकी आचार्य जी रुक्मणी दीदी जी, रुक्मणी आचार्य जी। चलिए दीदी के पास चलते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हाँ दीदी,
बच्चों अभी आप लोगों ने गणेश दिखाए अपना अपना है ना, और बहुत ही सुंदर दिखाए थे। और हमारे पास भी हमारे छोटा सा बालक है, वो भी गणेश बना के लाए हैं, मिट्टी का है ना। अरे चलिए पहले तो ताली बजाएंगे भाई सभी। नाम बताइए, तुम नाम बताइए दीदी बेटे का। बताएंगे अपना निशान। निशान के लिए ताली बजाए भाई, बहुत सुंदर। एक बार आप फिर से दिखाइए दीदी, अच्छे से नहीं देख पाए। ये है देखिए, बहुत सुंदर, देखो छोटा सा निशान, कितना सुंदर गणेश जी बनाए हैं, बहुत सुंदर। चलिए आगे दीदी भी हमको ना, आचार्य जी हमको गणेश भगवान बनाना सिखा रही हैं आज। चलिए तो पहले हम गणेश भगवान बनाना सिखाते हैं, इसके बाद पर्व का संदेश। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिया है आटा और हल्दी, आटे और हल्दी से हम आप लोग को गणेश जी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको गोल कर दिया और फिर रखेंगे इसको ये, और फिर हमने और आटे लिए हैं उसके पैर बनाने के लिए। तो यहां से हम इसको इस तरह से सेट कर देंगे। बहुत ही कम समय में आप लोग को एक बढ़िया सा गणेश हम बना करके दिखाएंगे, आप लोग देखते रहेंगे। ये हमने पैर बना दिए है ना, गणेश जी के पैर बन गया। अब इसके बाद हम इसके चार हाथ है ना गणेश जी के, तो ये हम सबसे पहले एक हाथ ये बना दिए। आचार्य जी कौन सा आटा है आचार्य जी? ये चावल आटा है, चावल आटा। अच्छा, ये आशीर्वाद की मुद्रा है। और ये एक और हाथ है, इसमें गणेश जी जो है रस्सी पकड़ते हैं, और एक हाथ में क्या पकड़ते हैं आप लोग को पता है? लड्डू। लड्डू ठीक, लड्डू बना पसंद है सब बच्चों को। ठीक है, चार हाथ बन गए गणेश जी के, अब हम क्या बनाएंगे उसके? शीर बनाएंगे है ना। तो इस तरह से आटे को हम गोल करेंगे और इस तरह से उसके सूंड बनाएंगे, इसी में लंबा सा सूंड है गणेश जी के, है ना बच्चों? कितना बड़ा है उसका सूंड देखे आप लोग, और इसको हम ये सूंड हो गया, और यहाँ से हम इसको सेट कर दिए। अच्छा, ये लड्डू भी बन गया हमारे निशान से बनाया लड्डू, लड्डू भी पकड़ा दिए हम। अब इसके दो कान बनाएंगे, तो इस तरह से हम छोटा छोटा बॉल जैसे आटे को ले लेंगे, ये गोल किए, ये भी गोल किए। अब इसको इस तरह से हम अपने अंगूठे की सहायता से इसको इस तरह से चपटा करेंगे, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे, यहाँ भी सेट कर देंगे। ये बन गया बड़ा सा कान है ना गणेश जी के, बड़ा सा कान। और फिर ऊपर में उसका छोटा सा मुकुट बना देंगे। ऐसे ही मिट्टी से ही बना सकते हैं आचार्य जी? जी जी मिट्टी से ही बना सकते हैं, और मिट्टी क्योंकि अभी वो चिकना था, वो जल्दी जल्दी नहीं बन पाती, इसलिए हम आटे से बना रहे हैं। अब इसके छोटे छोटे आंख, गणेश जी के छोटे छोटे आंख है ना बच्चों, और ये हो गया आंख हो गया, और फिर उसके छोटे से दांत है ना, एक दंत कहलाते हैं गणेश जी। ये गणेश जी के छोटे से दांत, एक बड़ा है एक छोटा है, एक दांत उसका छोटा है। गणेश जी लड़ाई करने गए थे तो वहां उसका एक दांत काट दिए गए थे, तो इस तरह से उसका छोटा सा दांत हो गया। और इसको हम थोड़ा सजा देते हैं, ठीक है बच्चों? देखिए हाँ। गणेश जी, अरे वाह बहुत सुंदर। चलिए आचार्य जी के लिए ताली नहीं बजाएंगे बच्चे? आप लोग भी बनाएंगे
बनाएंगे बहुत जल्दी इसको, है ना। देखिए कितना फटाफट 5 मिनट में बन गया, देखो कितना सुंदर गणेश भगवान। आप सब बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही आटे से बना सकते हैं, आटा चावल का आटा और हल्दी, है ना, और मिट्टी से भी आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। आप जल्दी जल्दी बनाइए बच्चों, शाम से पूजा शुरू होगी ना। ठीक, बहुत सुंदर। तो ठीक है बच्चों, अब हम पर्व का संदेश सुनाएंगे आप लोग को। आज कौन सा पर्व है पता है आप लोग को बच्चों? गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जन्मदिन है। और गणेश जी का जन्मदिन हम कब मनाते हैं आप लोग को पता है? कौन से तिथि में मनाते हैं? गणेश जी के जन्मदिन गणेश चतुर्थी को, है ना, और भादो महीना शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में हम गणेश भगवान जी के जन्मदिन मनाते हैं। तो आज बढ़िया गणेश जी का जन्मदिन है, आज गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी के दिन हम अपने अपने घर में भगवान गणेश जी को बिठाने चले हैं, है ना। सबके घर आज गणेश भगवान जी विराजेंगे और 11 दिन तक विराजेंगे। और बच्चों गणेश जी क्यों आते हैं आप लोग को पता है? गणेश जी आते हैं यहाँ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, विद्या देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, और हम उसको धारण करेंगे तभी उसके आशीर्वाद हमको मिलेंगे, है ना। तो उसके आशीर्वाद उसी को मिलेंगे जो पात्र होंगे, जो गणेश भगवान के अनुरूप अपने आप को बनाएंगे, अपने गुण को बनाएंगे, अपने कर्म को बनाएंगे, तभी उसके कृपा पात्र बनेंगे। और हम गणेश तो बस बिठा लेंगे और बिठाने के बाद पूजा बस करते रहेंगे, तो मात्र पूजा से ही हमें शिक्षा मिलने वाली है क्या, उसके आशीर्वाद मिलने वाले है क्या? नहीं, हमें उसके जैसे गुण को धारण करना है। भगवान गणेश जी को मंगल मूर्ति कहते हैं, है ना, और उसके जो एक एक अंग है भगवान गणेश जी के, जैसे अभी हमने बड़ा सा सूर बनाया और फिर बड़ा सा पेट भी बनाया उसका, तो उस सब से हमें प्रेरणा मिलती है बच्चों। तो आइए हम गणेश जी के अंग से, उसके शरीर से अंग विज्ञान को जाने और क्या क्या प्रेरणा देते हैं हमें गणेश जी, तो इसके बारे में भी हम सुनते हैं। तो बच्चों गणेश जी के बड़ा सा सिर देखे हम, है ना, बड़ा सा उसका मस्तक है और उसके जो मुंह है सूर वाला है वो हाथी के जैसे है। तो बड़ा मस्तक होने का तात्पर्य बच्चों कि हमारी बुद्धि जो है कुशाग्र रहे, हम अच्छे सोच वाले बने, बड़ा लक्ष्य को लेकर के चले। यही भगवान गणेश जी जो है हमें अपने मस्तक से हमें प्रेरणा देते हैं। और बच्चों हाथी के सिर कहते हैं ना, हाथी के सिर जैसे है भगवान जी के जो सिर है वो, तो हाथी का मतलब ये है बच्चों कि जिस तरह से हाथी जो चलते हैं आगे चलते हैं, है ना, तो उसके सामने में जो भी झंझावते आते हैं परेशानियां आती है उसको वो घबराते नहीं है बल्कि चीरते हुए चलते हैं, परेशानियों को वो झेलते हुए चलते हैं। तो बच्चों इससे गणेश जी हमें प्रेरणा देते हैं कि बच्चों आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसको हम पार करते हुए चले, डरे नहीं घबराए नहीं। इस तरह से गणेश भगवान जी जो है हमें प्रेरणा देते हैं अपने सिर के माध्यम से। और बच्चों गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हैं, और छोटी छोटी आंख का मतलब है कि हम बारीकी से परखें, किसी भी चीज को हम बारीकी से देखें और बारीकी से देखने के बाद ही उसका निर्णय लें। जैसे कि बच्चों आपको कोई पैसा दिए है, 5,000 पैसा है करके आपको दे दिए और आपने उस पैसे को काउंट नहीं किए, बस रख लिए अपने जेब में और घर आ गए, और फिर घर में आने के बाद आप देखे तो उसमें से कुछ पैसा कम निकला, तो ये हम धोखा खा गए, है ना। हम क्यों धोखा खाए? क्योंकि हमने उस समय उसको बारीकी से नहीं परखे थे, इसलिए हमें बहुत बड़ा धोखा मिला। तो इसका मतलब गणेश जी कहते हैं कि किसी भी चीज को हमें बारीकी से परखना चाहिए और परखने के बाद ही उसका निर्णय लेना चाहिए, अर्थात हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद बच्चों उसके कान, कान देखें आप लोग गणेश जी के, बड़ा सा कान, है ना, सुपा जैसे कान। और सुपा जैसे कान का मतलब यह है बच्चों कि हम अपने कान से जो है अच्छी बात को सुने, अच्छी अच्छी बातों को सुने। और कहते हैं कि सूप, सूप जो है किसको हटाते हैं? गंदगी को। जैसे सूप में हम चावल को साफ करते हैं तो उसमें जो गंदगी रहती है वो बाहर चला जाता है और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सूप में रह जाते हैं। तो इससे हमें गणेश भगवान जी प्रेरणा देते हैं कि बच्चों जो बुराई है उससे हमेशा दूर रहो, हमेशा दूर रहो, और जो अच्छाई है उसको
हमेशा धारण करते रहो और इसी से ही आप लोग आगे बढ़ोगे। इस तरह से गणेश भगवान जी जो है अपने कान से हमें प्रेरणा देते हैं। इसके पश्चात बच्चों गणेश जी का सूर लंबा सा सूर है ना, और सूर जो है हमेशा हिलता डुलता रहता है, तो गणेश जी के सूर के माध्यम से बच्चों हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा सक्रिय रहे, निष्क्रिय होकर न बैठे, आलस में न बैठे, हम क्रियाशील रहे और काम करते रहे। यही प्रेरणा हमें भगवान गणेश जी देते हैं। और इसके पश्चात बच्चों गणेश जी का बड़ा सा पेट है ना, बड़ा पेट वाला कहते हैं ना उसको, तो लंबोदर भी कहते हैं गणेश जी को। तो लंबोदर का मतलब यह है बच्चों कि पचाने की क्षमता, हमारे अंदर पचाने की क्षमता होनी चाहिए। तो किसको पचाएंगे हम, कि जो बुरी बात है उसको पचाना चाहिए, कहते हैं ना इसके पेट में कोई बात नहीं पचता है, ऐसे कहते हैं। तो हम अगर किसी के भी कुछ बात को सुन लिए हैं है ना, कोई भी दोस्त है या कोई है, तो अगर वो कोई बुराई किए है तो उसके बात को हम सुन लिए हैं और सुन ले तो उसके उसको अपने तक ही पचाना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। इस तरह से गणेश जी हमें जो बात है उसको पचाने की क्षमता प्रदान करते हैं और प्रेरणा देते हैं। और कहते हैं बच्चों गणेश जी के एक दांत है ना, एक दंत कहते हैं ना गणेश जी को, तो एक दंत का तात्पर्य है बच्चों कि भगवान गणेश जी युद्ध करने के लिए गए हुए थे और उसके दो दांत थे। पहले जब युद्ध में गए थे तो युद्ध करते करते उसके एक दांत जो है टूट गया था, तो फिर उसने एक दांत को फेंके नहीं, अपने पास रखा और उससे उसने क्या बनाया, लेखनी बनाया। जब महाभारत हुई तो महाभारत की रचना की गई तो गणेश जी ने उस अपने दांत से उसने लेखनी का काम किया। तो गणेश जी ये प्रेरणा देते हैं बच्चों टूटे हुए दांत के माध्यम से कि हमारे पास जो भी साधन सामग्री है उसका हम सदुपयोग करना सीखे, अब अच्छे से रखना सीखे, सदुपयोग करें, यही शिक्षा देते हैं भगवान जी। और भगवान जी के कितने हाथ है, चार हाथ है, चार भुजाधारी कहते हैं ना गणेश जी को, तो एक एक हाथ से हमें प्रेरणा मिलती है बच्चों कि हम हमेशा अपने भुजाओं में ताकत लेकर के हम अच्छे कार्य करें। और जिस तरह से भगवान गणेश जी एक हाथ में पास लिए हुए हैं, रस्सी लिए हुए हैं, रस्सी का मतलब है अंकुश लगाना, जब हाथी पे सवार होकर के अपना महावत चलते हैं ना तो हाथी पे अंकुश लगाते हैं, तो गणेश जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम हमेशा अपने मन को काबू में रखें, इधर उधर भटकने ना दें। और इसके लिए बच्चों हम अपने मन को काबू में कैसे रखें, तो हमेशा हम अच्छे साहित्य, अच्छे पुस्तक का स्वाध्याय करें। हमारे लिए छोटी छोटी बाल कहानी है ना, और बाल कहानी को हम हमेशा पढ़ें, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जो अनर्गल साहित्य है उसको हम कभी भी ना पढ़ें है ना, उससे हमें प्रेरणा नहीं मिलती है। अर्थात हमें जो प्रेरणा पुस्तकें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं वाली पुस्तक है उसको हमें पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे घर में रामायण है, गीता है, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे विचारों में अच्छी बातें आए और हम अपने मन को काबू में रख सके। तो इस तरह से रस्सी जो है हमें प्रेरणा देती है। और उसी तरह से भगवान जी एक हाथ से आशीर्वाद दिए हुए हैं, तो बच्चों जो अच्छा काम करते हैं उसको भगवान जी जो है आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। तो इस तरह से बच्चों भगवान गणेश जी जो है अपने पूरे शरीर से हमें प्रेरणा देने आते हैं, उसके जो अंग अवयव है उसे हम एक एक छोटी छोटी बात से प्रेरणा लेते हैं। और प्रेरणा लेने का मतलब यह है बच्चों कि हम गणेश जी के जो गुण है उसको अपने जीवन में उतारे, तो वास्तव में गणेश जी के जो शक्ति है, उसके जो कृपा है, उसके जो ऊर्जा है, वो हमको मिलता हुआ चला जाएगा और हम भी उसी तरह से बुद्धिमान बन जाएंगे। और इसके बाद बच्चों गणेश उत्सव का बात आता है ना, तो गणेश उत्सव कब से प्रारंभ किया गया था बच्चों, गणेश उत्सव जो है 1893 में हमारे जो क्रांतिकारी नेता जी थे बाल गंगाधर तिलक, उसने स्वराज्य की कामना से अपने देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए उन्होंने जगह जगह पे गणेश उत्सव मनाया था। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में इसका शुरुआत किए थे। तो शुरुआत करने का तात्पर्य ये था बच्चों कि जो अंग्रेज
ये जो शासक थे हमारे देश को पूरे अपने कब्जा में कर लिए थे और हमारे जो भारतवासी थे वे अपने बात को किसी से कह नहीं सकते थे, पर धार्मिक जो मंच था, गणेश उत्सव के जो मंच था, उसके माध्यम से जन जागरूकता फैलाई गई और लोगों को इकट्ठा किया गया। गणेश उत्सव के माध्यम से लोगों का संगठन बनाया गया और बच्चों इस तरह से हमारे देश में एक क्रांति लाई गई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली नींव जो है गणेश उत्सव है बच्चों। और आजकल हम देखते हैं कि गणेश उत्सव के लिए हम कितने सारे खर्चे करते हैं ना, लाखों लाखों करोड़ों रुपए तक खर्चे कर डालते हैं। और तो और बच्चों, हम गणेश पंडाल के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करके डीजे लगाते हैं, डांस करते हैं और शराब भी पीते हैं उस समय कुछ लोग। तो ये अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। गणेश जी पैसों का सदुपयोग करना सिखाते हैं हमको, तो हम पैसों का सदुपयोग कैसे करें? तो इसीलिए गणेश जी कहते हैं कि जितना पैसा हम अनर्गल खर्च में उपयोग करते हैं तो उसमें से कुछ पैसा हम निकाल करके समाज के लिए लगाएं। तो हम समाज के लिए कैसे लगाएंगे बच्चों? हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, ई शिक्षा दे सकते हैं। जैसे अभी कंप्यूटर को हम गणेश महाराज कहते हैं और कंप्यूटर चलती है माउस से, यानी गणेश भगवान की सवारी से चलती है ना। तो अगर हमारे गणेश उत्सव वाले जो भाई है वे लोग इस शिक्षा को अगर पहल दे, 5-8 अपना कंप्यूटर लाए और बच्चे को अगर पढ़ाए वहां, तो बच्चों को इससे बहुत सारे शिक्षा मिलेंगे है ना। और गणेश जी के जो शिक्षा है वो सार्थक होता हुआ चला जाएगा और इससे बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है बच्चों। हमारे बच्चों जो है, जो गरीब बच्चे हैं आज पढ़ नहीं पाते हैं, उसको इस तरह से अगर शिक्षा देंगे तो बच्चे जो है साक्षरता होते हुए चले जाएंगे और जो तकनीकी ज्ञान है उसको मिलता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों गणेश पर्व है और गणेश पर्व की जो संदेश है आप लोग को सुनाए हम, और गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं बच्चों। और अपने घर में आप लोग बढ़िया सा गणेश रखें और रोज पूजा करें और पूजा करके गणेश जी के आशीर्वाद लें और बुद्धिमान बने, विद्यावान बने और अपने अंदर गणेश जी के बुद्धि को धारण करें। तो चलिए बच्चे, इस तरह से अभी हमने जाने गणेश जी के जो विस्तार है उसको, अब हम छोटा सा पूजा करेंगे है ना गणेश जी के। आप सभी लोग लाए होंगे पूजा करने के लिए थाली वगैरह, और अंत में हम आरती भी करेंगे। तो हमारी आचार्य जी के पास आते हैं, हमारे आचार्य जी जो है आप लोग को वहां से पूजा करना बताएंगे और हम यहाँ से अपने अपने घर में बैठ करके गणेश जी का स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे। तो चलिए हमारे आचार्य दीदी के पास, रोमा दीदी के पास। सभी बच्चे लोग पूजा करने के लिए तैयार हो जाए, तैयार हैं कि नहीं आप लोग? पहले तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग अपना वीडियो चालू कर लीजिए है ना। बहुत सारे बच्चों का तो वीडियो बंद है, तो आप लोग चालू करेंगे तभी तो पूजन में शामिल होंगे ना। और इतना बढ़िया पर्व है तो आपसे निवेदन है कि पहले तो आप लोग अपना अपना वीडियो चालू कर लीजिए सारे बच्चे लोग। हमें पता है सारे बच्चे लोग इसमें जुड़े हुए हैं लेकिन वीडियो बंद कर दिए, वीडियो चालू कर लीजिए सभी कोई। हाँ चलिए, पूजा की थाल सभी कोई रखे है ना। हाँ तो सभी बच्चे लोग एक काम करें, हाथ में फूल रख लीजिएगा और पीला चावल रख लीजिएगा थाल में होगा तो है ना। हाँ दीदी, गणेश जी भी है अपने पास, तो थोड़ा दिखा दीजिए अपने पास है दीदी। हाँ हाँ तैयारी में है। हाँ चलिए सभी बच्चे लोग आंखें बंद कर लीजिएगा है ना, गणेश भगवान का ध्यान करें। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, गणेश भगवान का आवाहन करेंगे। सबसे पहले प्रथम हम गणेश भगवान और गौरी माता का आवाहन करते हैं ना, तो चलिए आंखें बंद कर लें और गणेश भगवान का ध्यान करें। जो पूजा कर रहे हैं सारे बच्चे लोग हाथ में पीला चावल और पुष्प रख लें। चलिए हाँ गणेश भगवान का ध्यान करें सभी को एक ओम अभीत सिद्ध सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्न हर तस्मै गणाधिपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि। गणेश भगवान के मूर्ति पर छोड़ दीजिए जो फूल पुष्प रखे होंगे। हाँ पुनः एक बार हाथ में पीला चावल पुष्प रख लीजिए। हाँ फिर रख लीजिए। गणेश भगवान के साथ में हम गौरी माता का आवाहन करेंगे है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो क्या करते हैं, गणेश और गौरी माता का आवाहन करते हैं ना सर्वप्रथम। तो चलिए गणेश भगवान का हमने आवाहन किया, अब गौरी माता का ध्यान करेंगे। ओम सर्व मंगल मंगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके त्रयं त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौरे नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि। वही पर छोड़ देंगे। इसके बाद हाँ छोड़ दीजिए। उसके बाद हाथ में पीला चावल पुष्प रख लीजिए। सभी देवी देवताओं का हम संक्षिप्त में आवाहन करेंगे। सभी देवी देवताओं का चलिए सभी देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में। आंखें बंद करके निश्चित ही हमारे बुलाने पर सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। सभी देव शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। चलिए ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाज्यस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवासैहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम विश्वदेवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि। छोड़ दीजिए वहीं पर। हाँ अब गणेश भगवान का पंचोपचार पूजन कर दीजिए। थोड़ा जल चढ़ा दीजिएगा। जल चढ़ा दें। हाँ जल छिड़क दीजिए। टीका लगा दीजिए। ओम जलम गंधार्चतम पुष्पाणि धूपम दीपम निवेद्यम समर्पयामि। ओम गणेश देवताभ्यो नमः। हाँ पीला चावल छोड़ दीजिएगा। हाँ पीला चावल छोड़ देंगे। फूल चढ़ा दीजिए। हाँ गणेश भगवान को सबसे प्रिय क्या है? लड्डू है। गोल गोल लड्डू। हाँ बूंदी के लड्डू है ना। तो चलिए गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ा देंगे। हाँ जो भी लाए होंगे फल फूल नारियल जो भी रखे होंगे आप प्रसाद के रूप में आप चढ़ा दीजिए। चढ़ा दीजिए। हाँ हो गया पूजन हो गया गणेश भगवान का। तो हो गया दीदी। हाँ तो आरती करेंगे जी। आरती करेंगे आरती करेंगे। हाँ चलिए आरती के लिए सभी बच्चे लोग आरती की थाल रख लीजिए। हम यहाँ से आरती गा रहे हैं। आप सभी कोई थाल रख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं तैयारी कर पाए होंगे इसी आरती में सब शामिल हो जाएं। भैया आपके सामने गणेश भगवान जी दिखाई दे रहे हैं सब इसी में शामिल हो जाएं। और आप लोग सबको ही आरती को दोहराइएगा ठीक है। जिनको आता है वो भी गाएंगे और दोहराइएगा। आप लोग आरती सब कुछ शामिल है इसमें ठीक है। सीधा गाइएगा दीदी। दोहराएंगे मत चलेगा। अकेले गाएंगे दीदी। अकेले गाएंगे। हाँ ठीक है। चलिए गणेश भगवान की हम आरती करेंगे। सभी बच्चे लोग शामिल है इसमें। जय गणेश जय गणेश दयावंत चार भुजा धारी संत दयावंत चार मस्तक सिंदूर तुहे मौसिकी सवारी। जय गणेश गणेश देवा पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े वन के भोग लगे संत करे सेवा। भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा महादेवा। जय गणेश दीनन के नाथ रखो संग सुज हारी। दीनन के नाथ रखो संग सुज हारी। कामना को पूर्ण करे जग बलिहारी।
तो कोड़ने को काया, पाधन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। बोलिए गणेश भगवान की जय। लंबोदर स्वामी की जय। बच्चों अब हमारा गणेश आवाहन स्थापना का क्रम पूरा हुआ, आरती का क्रम पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, शांति पाठ करेंगे। अच्छा एक काम और करना बच्चों, आप सभी कोई हाथ की हथेली फैला लीजिए। तो प्रणाम प्रणाम। गणेश भगवान से हम सारे विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आज हम देख रहे ना, सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना छाया हुआ है, हमारा देश सारा विश्व जो है कितने संकट से गुजर रहा है। तो हम सारे विश्व कल्याण के भाव करते हुए हम गणेश भगवान से सारे विश्व की सुख शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ओम स्वस्ति प्रजाभ्याय ब्राह्मण्यो शुभमास्त नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपनया श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुस्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय उषक धारी की जय। हाँ चलिए बच्चों, अब एक आप लोगों को हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। कल रविवार है ना, है ना, इस सप्ताह का द्वितीय चरण है आप लोगों का बाल संस्कार शाला का। तो बच्चों आप सभी कोई कल के लिए एक गीत और एक कहानी आप लोग तैयार करके रख लाएंगे, ठीक है। हम दोनों या फिर एक कोई सा कल कल दो बच्चियां कल कहानी 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 के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं बच्चे, नॉमिनेट हो गए हैं बोल रहे हैं, उनका नाम आ गया है। आप लोगों को फिर अगले कार्यक्रम में आप लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। अभी नाम आ गया है हम लोग के पास में, फिर आप लोग इसके बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। गीत के लिए आप शांति पाठ करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे। चलिए कोई बात नहीं, आज छोड़ दीजिए। अच्छा हाँ चलिए शांति पाठ करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए सभी बच्चे लोग, दोनों हाथ गोद में रखें और सारे विश्व में सुख शांति। वंदे मातरम। ये हमारे मातरम का गीत गा रहे हैं ना। चलिए गाएंगे क्या, चलिए एक आप कड़ी गा लेते हैं, हमारे बच्चे लोग दोहरा रहे हैं। चलिए वंदे मातरम है। आज इतना ही है ना, वंदे मातरम का गीत आज इतना ही गाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब सभी कोई हाथ जोड़ लीजिएगा, दोनों हाथ गोद में रख लें, आंखें बंद कर लें। सारे विश्व में शांति के भाव करते हुए हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में, देश में, राष्ट्र में, सारे विश्व में सुख शांति और अमन चैन आ जाए, सारा विश्व सुख शांति से भर जाए। इसलिए चलिए बच्चों सभी कोई सारे विश्व की सुख शांति के लिए हम शांति पाठ करते हैं, सभी कोई एक साथ मिलकर, ठीक है। चलिए भगवान से हम शांति प्रार्थना करते हैं, शांति पाठ।
ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिरे भवतु। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। गणेश भगवान की जय। दामोदर स्वामी की जय। सभी बच्चों को पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। धन्यवाद बिट्टू। धन्यवाद।